बात कठिनाई तब ते जीव भयो संसारी छूट न ग्रंथि ना होए सुखारी छूट न ग्रंथि ना होए सुखारी मंगल भवन अमंगल भवने अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम बाबा प्यारे जय सिया राम 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 जय सिया राम
कृषयो मोहिता संशय सर्प कृषयो मोहिता दुख दलहर को तर्क बहुभ्राता दुख दलहर को तर्क बहुभ्राता जाने बिन होए न प्रतीति जाने बिन होए न प्रतीति बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई भगति दृढ़ाई जिम खग पति चल के चिकनाई जिम खग पति चल के चिकनाई मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी जय सिया राम 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 जय 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 सिया राम लोग बोलते हैं धर्म मतलब विश्वास गलत लोग बोलते धर्म मतलब आस्था मैं कहती गलत और मैं जब गलत कह रही हूं तो उसके पीछे कारण खुद गोस्वामी जी ने दे दिया वो क्या कहते जाने बिन होए न प्रतीति जिसको मैं जानता नहीं उसकी प्रतीति नहीं होगी बिन प्रतीति होए न प्रीति और जिसकी प्रतीति नहीं होती उससे प्रेम कैसे हो सकता है सी हाउ लॉजिकल गोस्वामी जी इज गोइंग अब मैं आपसे कहूं कि हमारे गुरु महाराज से आप प्रेम करो तुम कहोगे वो कैसे हमने देखा नहीं जाना नहीं कैसे प्रेम करें उनसे चलो गुरु जी रहन दो हमारे माता जी से प्रेम करो ना उनके प्रति वेरी रिस्पेक्टफुल हो उनको लव करो तुम कहोगे वो कैसे हम तो उनको जानते नहीं जिसको मैं जानूंगा तो उसकी प्रतीति होगी जिसकी प्रतीति होगी उससे प्रीति बिन नहीं भक्ति दृढ़ाई और जिससे प्रेम नहीं उसकी भक्ति कैसे कर सकते हो अभी हम आपको भूमि भंजन प्रश्न देने लगे कौन सा भूमि भंजन प्रश्न है प्रश्न ये है क्या तुम राम को जानते हो क्या तुम्हें राम की प्रतीति है और प्रतीति है तो ही तो भक्ति है
जिसकी प्रतीति नहीं, क्योंकि तुम उसको जानते नहीं, जिसको जानते नहीं उससे भक्ति कैसे करोगे। ख्याल करना, हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने मालूम मूर्ति पूजा कब से शुरू करवाई? जब अच्छा काल था, ऋषि महर्षि की साधनाओं थी, आम इंसान नर नारी भी तपस्वी थे। पढ़ा ना अपने भागवत में, जिसको संतान चाहिए आएगा, ये ऋषि की पत्नी, नाम अलग अलग होंगे, तो उनको पुत्र की इच्छा हुई तो वो जंगल में तपस्या करने चले गए। भाई ये क्या बात हुई, चाहिए संतान तो तपस्या क्यों करने जा रहे हैं? ये बिल्कुल ऐसे है, अगर खेत में आप खराब बीज डालेंगे तो तुम्हारी फसल अच्छी नहीं हो सकती, राइट? ऐसे अगर स्त्री और पुरुष में देवत्व नहीं है, तितिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, उनका शरीर शुद्ध नहीं है, पूर्ण रूपेण स्वस्थ नहीं है, जब वो गर्भाधान करेंगे तो संतान पूर्ण स्वस्थ हो, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यहाँ पर अगर कोई गायनेकोलॉजिस्ट बैठे हैं, या जो नर्सिंग होम रन करते हैं, या जिन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, वो माताएं यहाँ पर बैठी, उनको मालूम है 100 में से लगभग 35% बच्चों का जन्म होते ही उनको जॉन्डिस है या नहीं, बोलो। कारण आप कारण नहीं समझना चाहोगे, हमारे यहाँ क्या है कि वो चलन है, जॉन्डिस हो गया तो चलो कोई नहीं, उसको वो केयर में डाल देंगे, उसको ट्रीटमेंट में रखेंगे, फिर कितनी सारी दवाइयाँ उस छोटे से बच्चे में, इतने लंबे लंबे कैनुलास लगा के जब दवाइयाँ चढ़ाई जाती हैं, तो मैं सच्ची बात बोलूँ तो तुमको ना पति पत्नी को माँ पिता बनने से पहले, मैं शास्त्रीय बात कह रही हूँ, आयुर्वेद के नियम अनुसार कह रही हूँ, कम से कम 3 साल तक किसी वैद्य की देखरेख में आपको आहार ठीक करना चाहिए, आपका व्यवहार ठीक करना चाहिए, मनोवाही स्रोत ठीक करने चाहिए। तुम जान के हैरान होगे, इस समय हमारे देश में यूं तो लगेगा बहुत बड़ी जनसंख्या है, पर उससे ज्यादा बड़ी कड़वी सच्चाई ये है कि आज का पुरुष पिता नहीं बन पा रहा है, और आज की जो ये बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, ये विवाह के बाद माँ नहीं बन पा रही हैं। इनफर्टिलिटी हमारे देश में बढ़ रही है, और उसका कारण है ये जो तुम सीड ऑयल्स खा रहे हो, बहुत ज़्यादा चीनी खा रहे हो, और दूसरा हाइब्रिड गेहूं और हाइब्रिड राइस जो तुम खा रहे हो, ऑर्गेनिक ढंग से जो हमारे पुराने 100 साल पुराने बीज थे, उन बीजों से जो खेती हो रही है, वो गेहूं जिसको मैं कहती हूँ लाल गेहूं या काठियावाड़ी गेहूं, अगर आप ये गेहूं खाते हैं, इनफर्टिलिटी हो नहीं सकती। और अगर आप दूसरा गेहूं खा रहे हैं जो मास प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें इतना पेस्टिसाइड जाता है, कितना पानी हमारी धरती का बेकार हो रहा है। अभी 3 साल पहले से मैं मिलेट की बात कर रही हूँ, क्योंकि मिलेट हमारे भारत का असली खाना था। ये गोरों के साथ रहते रहते हमने अपनी रोटियाँ भी गोरी कर ली हैं, तो रोटी गोरी करने के लिए हमने क्या किया, छिलका उतरवा दिया है। रिफाइंड आटा तुम खा रहे हो, और उस आटा का जो जिससे वो निकला है, उस गेहूं में कितना पेस्टिसाइड गया, अगर यहाँ कोई किसान बैठे तो उनको मालूम है, हर पेस्टिसाइड के डब्बे पे लिखा होता है पॉइजन, डेंजर, यू कैन डाई। वो कहते नहीं, हम जमीन में जब डालते हैं ना, तो जब वो फसल में जाता है तो ठीक हो जाता है। अगर फसल में डाला हुआ तुम्हारा वो पेस्टिसाइड से कीड़ा मर रहा है तो तुम नहीं मरोगे? तुम कौन हो, हिरणकश्यप हो? कीड़ा मर रहा है, तुम क्यों नहीं मरोगे? पर तुम मरोगे नहीं, तुम सिर्फ बीमार होगे। इसीलिए आज बी टाउन्स में IVF क्लिनिक्स खुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। क्यों?
हमारा खाना गलत हो गया है, क्यों हम बहुत चिंता में रहते हैं, हम बहुत तनाव में रहते हैं, और यही तनाव और यही गलत खाना स्त्री को माँ नहीं बनने दे रहा, पुरुष को पिता नहीं बनने दे रहा, और अगर बच्चे पैदा होते भी हैं जॉन्डिस से पैदा हो रहे हैं, अगर पैदा होते भी हैं तो बहुत सी तकलीफें हैं, कभी कोई है कभी कोई है कभी कोई है, लेकिन हमारी जो पुरातन जो ग्रस्त धर्म की नियम होते थे 3 वर्ष कम से कम, आहार ठीक, व्यवहार ठीक, भजन आसन प्राणायाम, अच्छा घी खाना, उड़द की दाल खाना, अनपॉलिश्ड चावल खाना, बिना खाद का उगा हुआ गन्ना हो उस गन्ने से बना हुआ गुड़ हो वो खाओ तुम। कैसे हो सकता है कि तुम इस तकलीफ से गुजरो? पर लोग IVF क्लिनिक्स में भागते हैं लेकिन अपने जीवन शैली को ठीक नहीं करना चाहते। ये बहुत आवश्यक है और ये मैं बहुत जरूरी बात कह रही हूं, और मेरे अनुभव में इतने कितने ही पति पत्नी जोड़े जो इस बात को समझे और उन्होंने अपना खान पान आसन प्राणायाम शुरू किया, कोई 3 साल बाद माता पिता बने हैं, कोई 5 साल बाद बने हैं, कोई 6 साल बाद बने हैं, कई लोग आके आश्रम में रहे, वहीं रह के आसन प्राणायाम एक्यूपंक्चर दवाइयाँ सब करी उन्होंने, तो वो जब वो बच्चे गोद में उनके आए तो उन्होंने कहते आपके मैंने कृपा से हुए, मैंने नहीं नहीं मेरी कृपा से बच्चे नहीं होते, ना 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 हमारी कृपा हो तो हम साधु बना देते हैं, हमारी कृपा हो हम तो सन्यासी बना देते हैं, ये जो संतान आपकी हुई है इसमें हमारा कोई चमत्कार नहीं है, आपने जीवन को ठीक नियम से जीना शुरू किया, इससे शरीर स्वस्थ हो गया, इससे तुम माता पिता बन गए, तो इसी को मैं कहती हूँ ईश्वर कृपा, बिना तुम्हारे पुण्यों के तुम्हारे जीवन में संत आएगा नहीं, सत्संग मिलेगा नहीं।